वेलकम टू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ प्रिंस कॉलेज ऑफ साइंस। समस्त को गत क्लास रे मु तीनटा कथा समस्त को कहिथिले। मु समस्त को कहिथिले आमे एलपीबी को पढ़ुले, एलपी को सॉल्व करा जाए से विषय पढ़ी समस्त को सॉल्व केमती करा जाए। एवं फर्स्ट कथा कहिथिले जेटा बाउंड्री रीजन हेथिबो तार मैक्सिमम कहले मैक्सिमम हेलो, यदि क्वेश्चन मिनिमम हेलो कहिथिबो तबे मिनिमम हेलो लिखिबा। जेटा अनबाउंडेड रीजन हेथिबो सेठी मैक्सिमम कहले भी मिनिमम हेलो आ मिनिमम कहले भी मिनिमम हेलो। एवं आउ गोटे कथा कहिथिली ऑप्टिमाइजेस, जेठी ऑप्टिमाइजेस कहिथिबो जेठी बाउंड्री रीजन हेथिबो तबे बोथ मैक्सिमम हेलो मिनिमम हेलो लिखिबा। यदि अनबाउंडेड रीजन हेथिबो सेठी खाली मिनिमम हेलो लिखा दिबो। एवं समस्त को सही विषय मुझे कही गोटे एलपी को कमी सल्व करवा आगे समस्त को कही गिभेन एलपी कौन दिया जाए क्वेश्चन लिख दि एलपी भी कैन बी सल्व ग्राफिकली बाय फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप वन जितना लाइन एक्शन दे थोड़ा लाइन एक्शन को आम इक्वाल कर बक्स कर। स्टेप टू में फास्ट लाइन ड्र कल तार इक्वेसन लिख मोमेंट देख। सेकेंड लाइन ड्र कर तार इक्वेसन लिख मोमेंट देख। थर्ड लाइन ड्र कल तार इक्वेसन लिख मोमेंट देख। देख सारापर कौन कर ना देख से लाइन का सब मोमेंट कलापर कैटा कमन रिजन आस कमन रिजन टा फास्ट क्वाड्रेंट भितर हो दरकार। तो जेटा कमन रिजन है आगे समस्त लक्ष्य कर से कमन रिजन सब शीर्ष बिंदु आगे काटदल एवं ताकू लक्ष्य कर सी बाउंडेड हो अनबाउंडेड होदि बाउंडेड हो गला क्वेश्चन को नेब जदि मैक्सीम मैक्स जेड कही मैक्सीम जेड कही मैक्सीम लिख उत्तर लास्ट आदि अनबाउंडेड रिजन हो तो मैक्सीम कह मिनिमम लिखा। एवं स्टेप थ्री लिख रिजन टा क्या बाउंडेड रिजन है जदि बाउंडेड रिजन है नेमिंग करदेव जदि अनबाउंडेड रिजन है नेमिंग करने आवश्यक नहीं। तापर कही स्टेप फोर सब फिजिबल रिजन शीर्ष बिंदु गुड़ सब काढ़ काढ़ लिख। स्टेप फाइव भर्टिसेस नेल एवं वैल्यू ऑफ जेड मैंने प्रत्येक भर्टिसेस रे वैल्यू ऑफ जेड बाहर कर। क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कहते मैक्सिमम लिख मिनिमम वैल्यू कहते मिनिमम वैल्यू लिख कथा। एवं गत क्लास गोटे समस्त को ऑप्टिमाइजेस क्वेश्चन करी से बाउंड्री रीजन कथा होती आज जी अनबाउंड्री रीजन कहला क्वेश्चन ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स वन प्लस टू एक्स टू एस टी माइनस जीरो पॉइंट फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू एवं तापर कहला माइनस एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन कहला सॉल्व द एलपी भी ग्राफिकली एवं क्वेश्चन दीजिए ऑप्टिमाइज जेड ऑप्टिमाइज जेड। तो समस्त आगे सॉल्यूशन लिख सॉल्यूशन लिख सारापर क्वेश्चन जहाँ देसी तुम समस्त लिख दि गिवन एलपीपी इज ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स वन प्लस टू एक्स टू एस टी माइनस जीरो पॉइंट फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो माइनस एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल फाइव एंड एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो। आगे गिवन एलपी भी जहाँ देखिए तक लिखिल समस्ते लिखि सारापर कौन कर दि एलपी कैन बी सॉल्व ग्राफिकली बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स स्टेप वन जितना लाइन एक्शन देती लेस था ग्रेटर था किसी बुझेन आखि बुझे इक्वाल करमी इक्वाल कर ना माइनस जीरो पॉइंट फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू आपको समस्ते बक्स कर थे एक्स वन रैल्यू नब थे एक्स टू रैल्यू नब
आपको थरे जीरो आपको थरे जीरो, यदि एक्स टू को जीरो कर दिया जाए माइनस 0.5 एक्स वन इजिकल टू, एक्स वन इजिकल टू माइनस फोर, यदि एक्स वन को जीरो करदे एक्स टू डबल टू पाइले तापर जीवा एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वाल टू आपको बक्स कर एक्स वन नब एटी एक्स टू आपको थे जीरो आपको थे जीरो आ भैल्यू टू या भैल्यू भी टू। तापर आ गोटे इक्वेशन अच्छी माइनस एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इक्वाल टू फाइव बक्स कर बक्स कलापर कौन हो ना एटी एक्स वन नब एटी एक्स टू आपको थे जीरो आपको थे जीरो। यदि आपको जीरो कराला आ भैल्यू के देख माइनास फाइव आपको जीरो कला भैल्यू है वन समस्ते कनफर्म है आगे गिवन एलपीवी जहाँ जाए जा लिखिल समस्ते दि एलपीवी कैन बी सॉल्व ग्राफिकली बाय फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप वन जितना इक्वेशन अच्छी इक्वाल कर बक्स कर। स्टेप टू रे लाइन ड्र कर स्टेप टू धरनीय सपोज यहीटा है ग्राफ ये ग्राफ रे कौन कर देख समस्ते नेगेटिव पार्ट रे बेसी अच्छी माइनस फोर माइनस फाइव ये टेबुल रे नेगेटिव पार्ट बेसी अच्छी तो नेगेटिव पार्ट टा बेसी छाड़ी एठी है एक्स वन एठी है एक्स वन डेज नेगेटिव पार्ट टा बेसी छाड़ी पॉजिटिव पार्ट कम छाड़ी एटा है एक्स टू एटा है एक्स टू डेज एटा है जीरो एटा है वन एटा है टू एटा है थ्री ये है माइनस वन ये है माइनस टू ये माइनस थ्री ये माइनस फोर ये है माइनस फाइव ये माइनस सिक्स ये है माइनस सेवेन। समस्त मेनसन करदेव टेन स्मॉल डिवीजन समान कते यूनिट में देख वन यूनिट एलोंग एक्स वन एक्सिस एंड एक्स टू एक्सिस यहीटा है माइनस वन यहीटा है वन यहीटा है टू यहीटा है थ्री ये है फोर ये है फाइव ये है सिक्स। प्रथम फास्ट लाइन ड्र करवा जिते बड़े एक्स टूर भैल्यू जीरो एक्स वन भैल्यू माइनस फोर मैंने के पॉइंट ये पॉइंट माइनस फोर तापर एक्स वन भैल्यू जीरो बेले एक्स टूर भैल्यू है टू ये पॉइंटा तो ये माइनस फोर टू दे जे लाइन पास कर तार इक्वेशन लिख माइनस 0.5 एक्स वन प्लस एक्स टू इजिकल टू यहीटा सीना आम इक्वाल ड्र करदे कि क्वेश्चन एक्चुअली इक्वाल देखिए देखा एटा क्वेश्चन के जोड़ित ना ये जोड़ित एक्स वन भूल जीरो एक्स टू भूल जीरो पकईवा जीरो प्लस जीरो कैसे होगा जीरो जीरो कौन दुई सार सामान कि ना दुई रु सान ठीक ना भूल ठीक जदि ठीक अच्छे सी जीरो जीरो पॉइंट को साटिस्फाई कला साटिस्फाई कला मैंने जीरो पॉइंट क्या अच्छे एपट अच्छी ना इंटर अच्छी एपटे तो लाइनटा एपट को आसो तो ये लाइनटा एपट को आसला। सेकेंड कथा को जीवा बर्तमान एक्स वन प्लस एक्स टू इजिकल टू मैंने एक्स वन भल भी टू एक्स टू भल टू ये दुईटा देखिए जो लाइन पास कला समस्त टे मन रखे लाइन का गोटे बेस लमा लमा कर बढ़े ए लाइन रिक्वेशन है एक्स वन प्लस एक्स टू इजिकल टू एटा क्वेश्चन क्या सर जोड़ित ना क्वेश्चन ये जोड़ित ये एक्स वन भल जीरो एक्स टू जीरो पकेब जीरो प्लस जीरो है जीरो जीरो कौन दुई सार सामान कि ना दुई रु बड़ कि ना मानुनी जदि मानुनी तो सी जीरो जीरो को आसबनी दूरे पड़ेगा जिते एक्स टू रू जीरो एक्स वन भल माइनस फाइव ये पॉइंट माइनस फाइव जिते एक्स वन भल जीरो एक्स टू भल वन वन पॉइंटा ये माइनस फाइव आउ कौन देखिए देख वन देखिए जे लाइन पास कला ए लाइन इक्वेशन है माइनस एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इजिकल टू फाइव तो ए लाइन इक्वेशन देने तापर तार मोमेंट देखा ये क्वेश्चन आशा जोड़ित जीरो जीरो पकेबा जीरो प्लस जीरो है जीरो जीरो फाइव फाइव सारे सामान नुहे कि फाइव रु बड़ भी नुहे तो मानुनी जदि न मानुचे से अर्जिनाल को आसबनी अर्जिनाल दूर हो पल तो देख समस्ते ए लाइनटा एपटे आसला ए लाइनटा एपटे जाऊँच ए लाइनटा एपटे जाऊँच तेणु कैटा हम फिजिकल इजन
ना यही है फिजिबलिज्म, ये बाउंडेड ना अनबाउंडेड, अनबाउंडेड यही पॉइंटा बर्तमान ए पॉइंटा बी ए पॉइंटा क्यों को लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट ना ए लाइन आ लाइन के लाइन ना ए लाइन टा ए लाइन टा सॉल्व कर सॉल्व कले वैल्यू पाइब फाइव बाय सिक्स आउ सेवेन बाय सिक्स बी पॉइंट कोऑर्डिनेट समस्त जान सकते जीरो टू यहाँ है स्टेप टू रम स्टेप थ्री तो ये रीजन टा बाउंडेड अनबाउंडेड अनबाउंडेड तो अनबाउंडेड रीजन कौन करवा ना दि सेडेड रीजन इज आउ नेमिंग करवानी अनबाउंडेड नेमिंग करहबनी इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन स्टेप फोर ये कतटा वर्टिसेस पॉइंट अच्छी ना दीटा अच्छी दि वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन फिजिबल रीजन आर किए के ए पॉइंट पॉइंट है फाइव बाय सिक्स सेवेन बाय सिक्स बी पॉइंट है जीरो टू समस्त कनफर्म है ताकि इवेन एलपीपी जहाँ दिए लिख ल दि एलपीपी कैन सल्व एपी कल फॉलोइंग स्टेप स्टेप वन इक्वल कर बक्स कर स्टेप टू में लाइन ड्र कर स्टेप थ्री फिजिकल रीजन टा लिख समस्ते जब बाउंडेड होता नेमिंग करी अनबाउंडेड होता खाली लिखिद अनबाउंडेड फिजिकल रीजन स्टेप फोर भाटिसे समस्त लिख ल स्टेप फाइव गोटे कटे भाटिसे नब आ गोटे कटे भैल्यू ऑब्जेक्ट नब भैल्यू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भैल्यू ऑब्जेक्ट कर देसी ना फाइव एक्स वन प्लस टू एक्स टू तो फास्ट पॉइंट देख समस्ते ए पॉइंट फाइव बाय सिक्स आउ सेवेन बाय सिक्स फाइव बाय सिक्स आ सेवेन बाय सिक्स पकड़ तो फाइव बाय सिक्स पकड़े पचीस बाय सिक्स प्लस फोर्टीन बाय सिक्स समान थर्टी नाइन बाय सिक्स समान सिक्स पॉइंट फाइव तापर बी पॉइंटा जीरो टू पकड़े कैसे हम एक्स वन जगह जीरो पकेबा एक्स टू जगह टू पकेबा फोर हो गला इज इक्वल टू फोर पे समस्त कथा कही ऑप्टिमाइज जेड कहला मैंने यदि बाउंडेड रीजन हो बहुत मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लिखा जेहेतु ये अनबाउंडेड रीजन तो तार मैक्सिमम वैल्यू लिखी हेनी कि लिखा मैक्सिमम वैल्यू कई जगह हम पाइबानी तो आम कि लिखा मिनिमम वैल्यू लिखा तो कनक्लूजन तो दि मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कत मिनिमम वैल्यू जेड इज आपको मिनिमम वैल्यू क्या मतलब अफर एट के पॉइंट एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एक्स टू इज इक्वल टू एति गला आंसर समस्ते एति को जाके ये क्वेश्चन टा को समस्त क्लियर हल नेक्स्ट क्लास को प्रैक्टिस करिबो एवं पढ़ी आस समस्त को तीन टा कथा मु कहली जे जेटा बाउंडेड रीजन हेथिबो मैक्सिमम कहले मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम कहले मिनिमम वैल्यू जेटा अनबाउंडेड रीजन हेथिबो मैक्सिमम कहले भी मिनिमम वैल्यू आउ मिनिमम कहले भी मिनिमम वैल्यू एवं जेटी ऑप्टिमाइजेस कहिथिबो जदि से बाउंडेड रीजन हो गला बहुत मैक्सिमम वैल्यू एवं मिनिमम वैल्यू लिखिबो जदि अनबाउंडेड रीजन हला खाली मिनिमम वैल्यू लिखिबो समस्त एतिक कथा मन रखिबो पढ़ी के आसिबो नेक्स्ट क्लास को जीवा आमे केमिति टू वेरिएबल न थाई कि थ्री वेरिएबल थिबो ताको केमिति एलिमिनेट करकि आमे टू वेरिएबल एक्सप्रेस करिबा एवं ताको सॉल्व करिबा सेटा नेक्स्ट क्लास को पढ़िबा।